Good morning, children. Now, in previous video, we have already solved our activity number 1 from lesson number 9, fractions. Okay. Now, today we will solve our activity number 2. Okay. Now, in activity number 2, you have given your question number 1. Write the fraction for the shaded portion. Write yes or no. आपको जो भी यहाँ पे शेडेड पोर्शन में जो भी आपको फिगर्स दिए गए हैं उनमें से आपका उनका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन राइट करना है. देन राइट यस और नो इफ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. अगर दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं तो यहाँ इस बॉक्स में यस राइट करेंगे. इफ बोथ फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट देन राइट नो. ओके, अगर दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो क्या राइट करेंगे? नो राइट करेंगे. ओके, नाउ इन बी पार्ट यू हैव गिवन ओनली वन शेडेड पार्ट. ओके, दैट मींस वन शेडेड पोर्शन फ्रॉम फोर पोर्शन. चार पोर्शन में से वन पोर्शन क्या है आपका? शेडेड पोर्शन है. देयर यू राइट फॉर फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट 1/4. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 4. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4 है, इसलिए ओनली शेडेड वन पोर्शन है. सो फ्रैक्शन इज 1/4. ओके, नाउ इन सेकंड फिगर यू हैव गिवन टू शेडेड पोर्शन. ओके, सो राइट 2/2. हाउ मेनी टोटल पार्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो राइट 2/8 फॉर फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन. ओके, नाउ सिंस बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा? इसको आप डिवाइड कराएंगे. 2 1 2, 2 4 8. आपको 1/4 यहाँ भी मिलेगा ना, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो, रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा दोनों? या आप इसको चेक कर सकते हैं, 1 2 2, 4 2 8. यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/8 मिलेगा. दैट मींस बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे? इक्विवेलेंट. सो राइट हियर यस. ओके, YES यस. नाउ इन डी पार्ट यू हैव गिवन इन फर्स्ट फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 पार्ट्स. ओके, एंड ओनली वन पार्ट इज शेडेड. सो राइट फॉर फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट 1/12. ओके, नाउ इन राइट साइड यू हैव गिवन ओनली वन शेडेड पार्ट. सो राइट 1/2. हियर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 1 2 3 4 5 6. 1/6. हियर बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं कि नहीं? फॉर चेकिंग वर्क यू मल्टीप्लाई योर स्मॉलर फ्रैक्शन, जो आपका ये वाला है, मतलब 1/12 यहाँ भी है, यहाँ क्या है? 1/6. इफ यू मल्टीप्लाई 1 1 जा देन यू गेट 1, बट वेन यू मल्टीप्लाई योर डिनोमिनेटर बाई 1 दैट मीन 6 1 जा 6, तो 12 नहीं आ रहा ना, तो क्या होगा? दोनों फ्रैक्शन बोथ फ्रैक्शन आर नॉट इक्वल. सो राइट नो, दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए क्या राइट करना है? नो राइट करना है. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव गिवन फिल इन द बॉक्सेस. टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, नाउ इन सेकेंड नंबर यू हैव गिवन फिल इन द बॉक्सेस टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दैट मीन्स यू हैव गिवन सम बॉक्सेस इन योर ईच पार्ट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू फिल योर बॉक्स, देन यू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दैट मीन्स आपको यहाँ पे ऐसा नंबर फिल करना है जिससे कि ये वाला जो फ्रैक्शन है 36/40, वो 4/ जो भी यहाँ पे नंबर आए उसके इक्विवेलेंट हो जाए. ओके, नाउ इन बी पार्ट यू हैव गिवन 36/4/40/4. 36 को भी 4 से डिवाइड किया गया है और 40 को भी 4 से डिवाइड किया गया है. इफ वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेम नंबर देन वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, एंड ऑल्सो इफ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेम नंबर देन वी गेट ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो उसको हम सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है. अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो भी हमें सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है. ओके, नाउ हियर यू हैव गिवन 4. नाउ रीड द टेबल ऑफ 4.
How many times you read table of 4, then you get 36. कितने times आप read करते हैं? 4, 9 जा. Here you have given 9. Okay? Now, 4, 9 जा 36. Now read the table of 4. How many times you read the table of 4, then you get 40. 4, 10 जा 40. So write here 10. That means 9 upon 10 is the equivalent fraction of 36 upon 40. 36 upon 40 and 9 upon 10, both fractions are equivalent fraction. Okay. Now in D part you have given 6 upon 7 is equal 6 multiplied as upon 7 multiplied as is equal dash upon 49. In denominator you have given 49. Okay. Denominator mein aapko kya diya gaya hai? 49. How many times you read table of 7, then you get 49. 7, 7 ja 49. So write here 7, 7 ja 49 for balancing both sides. Dono side ko balance karne ke liye kya karenge? Yahan pe 7 ko jab 7 se multiply karenge to hume kya mil jayega? 49. Okay? Then you multiply your numerator by 7. आपको क्या करना है? अपने numerator को भी 7 से multiply करना है. Okay? Now 6, 7 जा what? 6, 7 जा 42. So write here 42. That means 42 upon 49 is equivalent to 6 upon 7. 6 upon 7 और 42 upon 49 दोनों कैसे fractions होंगे? Equivalent fractions होंगे. Okay? Now in question number 3 you have given write first 4 equivalent fractions. You have given one fraction in your each question. Har question mein aapko ek fraction diya gaya hai. Now for first 4 equivalent fraction you write in answer again your fraction. Aapko kya karna hai? Apne fraction ko fir se wahi write kar lena hai. Uske baad aapko you read the table of 3. 1 ja, you have given 3. Now next, 3 2 ja 6. 3 3 ja 9. 3 4 ja 12. 3 5 ja 15. Okay? Kyun? 5 ja tak karenge? Kyunki 1 2 3 4. 4 equivalent fraction chahiye na. Now for numerator you read table of 3 and for denominator you read table of 5. 5 1 ja 5. 5 2 ja 10. 5 3 ja 15, 5 4 are 20, 5 5 ja 25. Okay. Now these 4 fractions are equivalent to 3 upon 5. Ye charo fraction kya hai? 3 upon 5 ke equivalent hai. Simple way mein jo bhi number upar diya rahega, us cheez ki table upar, jo number denominator mein diya rahega, uski table niche. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 5 ja 15. Now in denominator you have given 5. So 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 4 ja 20, 5 5 ja 25. Now these 4 fractions are equivalent fraction to 3 upon 5. Okay. Now in D part you have given 5 upon 6. Now in answer you write 5 upon 6. Then you write table of 5. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5, 4 ja, 20, 5, 5 ja, 25. Okay. Now 6, 1 ja, 6, 6, 2 ja, 12, 6, 3 ja, 18, 6, 4 ja, 24, 6, 5 ja, 30. Okay. Now these 4 fractions are equivalent to 5 upon 6. 5, 1 ja, 5, 5, 2 ja, 10, 5, 3 ja, 15, 5, 4 ja, 20, 5, 5 ja, 25. 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 5 ja 30. Okay, now these 4 fractions are equivalent fraction and this is your answer. Now rest part of all questions you solve by yourself or with the help of PDF. Okay, now in question number 4 you have given circle the fraction which is not equivalent to the others. That means you have given some fractions in your each part. Okay. That means I have selected two parts A and D. Okay. Now each part have 4 fractions. Okay. Now you circle fraction which is not equivalent. That means aapko aise fraction pe circle karna hai jo ki equivalent nahi hoga. Now here you have given 21 upon 49, 9 upon 21,
3 upon 7, 12 upon 21. Here 3 upon 7 is the लोएस्ट फ्रैक्शन, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, मतलब सबसे रिड्यूस्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है, हमें सारे फ्रैक्शंस को चेक करना है कि क्या रिड्यूस करने के बाद 3 अपॉन 7 ही आएगा। इफ यू डिवाइड 21 एंड 49 बाई 7, देन यू गेट 7 3 जा, आप क्या करेंगे इसको रफली अगर आप करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, है ना, दोनों को अगर आप कट करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा ना, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, सेम नंबर से ऊपर नीचे को कट करते हैं, ठीक है, तो 3 अपॉन 7 मिला। नाउ इन नेक्स्ट 9 एंड 21 बोथ नंबर्स, इफ बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3, देन 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, दोनों 3 की टेबल में आएंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ओके, कट नहीं करना है आपको, मैं बस समझा रही हूँ, 3 अपॉन 7, नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज ऑलरेडी 3 अपॉन 7, एंड 12 अपॉन 21, बोथ नंबर्स 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 होता है 4, तो आपको क्या मिलेगा 4 अपॉन 7, सो 4 अपॉन 7 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3 अपॉन 7, 3 अपॉन के 7 इक्विवेलेंट नहीं होगा, सो सर्कल योर फोर्थ फ्रैक्शन 12 अपॉन 21, इसको आपको सिर्फ सर्कल करना है, इन सबको कट करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको रफ में करना है, ओके। नाउ इन डी पार्ट यू हैव गिवन 14 अपॉन 70, 1 अपॉन 5, 6 अपॉन 15, 3 अपॉन 15, हियर 1 अपॉन 5 इज लोएस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन है, व्हाई, बिकॉज दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में सबसे कम करके ये दिया गया, ठीक है। नाउ यू चेक योर फर्स्ट फ्रैक्शन 14 अपॉन 70, 7 2 जा 14, एंड आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, ओके, नाउ 1 अपॉन 5 भी आपको मिल गया, सेकेंड फ्रैक्शन इज ऑलरेडी 1 अपॉन 5, 6 अपॉन 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, that means 2 upon 5 मिल रहा है ना, that means your what? Your third fraction is not equivalent fraction, यही आपका equivalent fraction नहीं है, so circle third fraction 6 upon 15, okay? Now, in fifth number you have given find an equivalent fraction of 3 upon 7 k. You have given one fraction 3 upon 7. आपको 3 upon 7 के ही equivalent एक और fraction बनाना है, but you have given condition, लेकिन आपको क्या दिया हुआ, condition दिया गया है, in B part you have given denominator is equal 42, आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 42 ही होना चाहिए, ओके। नाउ फर्स्टली इन सॉल्यूशन यू राइट योर फ्रैक्शन 3 अपॉन 7, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में अपना जो मेन क्वेश्चन का फ्रैक्शन है 3 अपॉन 7 राइट करना है, ओके। नाउ इक्वल करके आपको क्या राइट करना है, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इज इक्वल, यू गेट 42 एज डिनोमिनेटर, आपको क्या मिलना चाहिए 42 डिनोमिनेटर मिलाना है ना, सो राइट हियर 42, ओके। नाउ अपर नंबर इज मिसिंग, आपका ऊपर का नंबर क्या है, मिसिंग है, ओके। नाउ व्हेन वी हाउ मेनी टाइम्स यू रीड टेबल ऑफ 7 देन यू गेट 42, आप 7 की टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे कि आपको 42 मिल जाए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ओके, सो राइट हियर 7 6 जा, 7 6 जा 42, सो यू मल्टीप्लाई योर नंबर 3 बाय 6, आपको 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, 3 6 जा 18, सो 18 अपॉन 42 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 3 अपॉन 7, हियर 42 इज डिनोमिनेटर, आपका यहाँ पे क्या है 42 डिनोमिनेटर है एज गिवन इन योर बी पार्ट, जो कि आपके बी पार्ट में दिया गया है, ओके। नाउ इन सी पार्ट यू हैव गिवन न्यूमरेटर इज इक्वल 27, अब आपको यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन में क्या राइट करना है, 3 अपॉन 7, नाउ 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इज इक्वल, हियर न्यूमरेटर इज 27, सो राइट 27, आपको 27 यहाँ पे राइट कर देना है। नाउ रीड द टेबल ऑफ 3, हाउ मेनी टाइम्स यू रीड द टेबल ऑफ 3 देन यू गेट 27, 3 9 जा 27, सो राइट हियर 3 9 जा 27,
सो यू मल्टीप्लाई 7 बाई 9, आपको क्या करना है 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, 7 9 जा 63, दैट मींस 27 अपॉन 63 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द 3 अपॉन 7 गिवन. ओके नाउ हियर न्यूमरेटर इज 27, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर क्या है 27. ओके नाउ इन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन, इन सिक्स नंबर चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आपको चेक करना है कि जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. ओके बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है. नाउ यू हैव गिवन 3 पार्ट्स इन योर क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव सेलेक्टेड ओनली 1 पार्ट, दैट मींस बी पार्ट. यू हैव गिवन इन बी 2/5 एंड 10/25. ओके नाउ इन सॉल्यूशन फर्स्टली यू राइट योर फ्रैक्शंस 2/5 एंड 10/25. ओके जस्ट लाइक एंड यू क्रॉस मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय विद द डिनोमिनेटर. ओके एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट सेकेंड फ्रैक्शन. आपको क्या करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके नाउ सिंस 2 × 25 इज इक्वल 25 × 50 एंड 5 × 10 इज इक्वल 5 × 10 = 50. ओके देयरफॉर 2/5 एंड 10/25 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये दोनों क्या हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. व्हाई बिकॉज हियर मल्टीप्लीकेशन देयर प्रोडक्ट्स आर इक्वल, इनके प्रोडक्ट्स क्या है इक्वल है. जब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया 2 × 25 से तो भी हमें क्या मिला 50, व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 × 10 देन वी गेट 50 एज प्रोडक्ट. तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला 50, दैट मींस बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल देयरफॉर 2/5 एंड 10/25 आर इक्विवेलेंट fractions. Okay now student you rest solve your rest part of all questions with the help of video and PDF, and in next video we will solve our activity number 3. Okay now thank you, take care.